है बीजेपी और या इसके पहले जो कांग्रेस सरकार थी, यह कभी भी संविधान के पक्ष में नहीं रही है। इस चीज़ को पूरे देश के जो संविधान समर्थक हैं, जो देश में देश की एकता में और अखंडता में आस्था रखते हैं, उनको यह मानना पड़ेगा। और कल ही की बात है, जो कांग्रेस सरकार ने इस पे अपना दिखाया है कि हम संविधान के सपोर्ट में हैं, तो वो गलत है। वो ना तो हमारी कभी हुई और ना ही कभी वो संविधान की थी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिस समय पहली बार कानून मंत्री थे, उस समय उस कानून को लागू ना करने के साथ साथ बाबा साहब को संविधान पद से, जो उनका पद था, उनसे इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो ये कांग्रेस सरकार हमारी नहीं थी। दूसरी बात, ये बीजेपी सरकार जब से आई है केंद्र में और जहाँ भी इसकी सरकार है, यह लोग संविधान के अधिकारों का और जो हमारे देश में जनता है इसके मूल अधिकारों का हनन करती है, और हमारे देश में जो गरीब शोषित पीड़ित मजदूर तबके के लोग हैं उनके अधिकारों का हनन करती है, उनके रोजी रोटी को खाने का काम कर रही है। जिस तरह से आपको नोटबंदी से लेकर और क्या कहते हैं जीएसटी लगाकर हमारे देश में इन लोगों ने जिस तरह का एक भूकंप सला दिया है, सबके अंदर षड्यंत्र बना के सबके अंदर से हिलोर दिया है, उससे आज भी देश प्रभावित है। इस चीज को हमें जानने की जरूरत है। और जो ये अनंत कुमार हेगड़े ने जिस तरह से संविधान के खिलाफ विरोध जो अपना वक्तव्य दिया है, बयान दिया है, या आप इस चीज़ को ना भूलें, इस चीज की भूल नहीं है। ये इनकी मंत्रिमंडल में इस चीज़ पे चर्चा हुई है और इसको इसने बोलते बोलते असली बात बोल दिया है। अगर ये भूल होती 13 जून 2016 को जो आउटलुक का इंटरव्यू दिया था उस पर ही इसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी 18 महीने के बाद उस व्यक्ति ने खुद से आकर फिर से ओपन प्लेटफॉर्म में बोला है कि संविधान को बदल देना चाहिए। साथियों अनंत कुमार हेगड़े नहीं बोल रहा है, ये उसके पीछे छुपी हुई वो 300 से ज्यादा सांसदों की ताकत बोल रही है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से मिली है। साथियों ये लड़ाई आज तो शुरू हुई है, लेकिन ये आज खत्म नहीं होगी।